हेलो दोस्तों, मैं दिलीप बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा, ये जो देख रहे हैं ये एलजी का 32 इंच का एलईडी टीवी है और इसमें साइड गेट कॉप नहीं है, तो ये कैसे रिपेयरिंग हुआ है? इसमें सीकेवी का ट्रैक दिखाई दे रहा है, तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा ये जो सीकेवी का ट्रैक है किधर शॉर्टिंग हो सकता है, लेफ्ट साइड आ राइट साइड। मैं आप लोग को इसमें मेजर करके दिखाऊंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस टीवी को ओपन कर दिया हूँ और इसमें लाइन दे दिया हूँ, देख रहे हैं बैक लाइट ग्लो हो गए और इसमें सप्लाई चेक करके दिखा रहा हूँ कितना कितना सप्लाई आ रहा है। ए भी इन का जगह में देख रहे हैं, यहाँ पर भी इन का टेस्ट पॉइंट है, 13.19 वोल्ट इन हो रहा है। वी सी सी 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है। ए भी डी डी 11.12 वोल्ट, मतलब ए वी डी डी का जो सप्लाई होता है वो बूस्टिंग नहीं हो रहा है। फिर मैं इसमें बी जी एस का सप्लाई चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं बी जी एस का टेस्ट पॉइंट है, इसमें देख रहे हैं सप्लाई 2.93, ऐसा अप डाउन हो रहा है। तो हम लोग को जो इसमें सी के वी का ट्रैक है, ये जो देख रहे हैं टेस्ट पॉइंट देख रहे हैं सी के वी का, ये सी के वी का जो ट्रैक है हम लोग का, ये राइट साइड में देख रहे हैं, इसमें 6 रेजिस्टेंस है और ये लेफ्ट साइड में भी 6 रेजिस्टेंस इसमें सी के वी का है। तो देखिए, मैं ये जो स्क्लर पीसीबी है इसमें जो सी के वी का ट्रैक है इसमें टैप लगा कर देख लेता हूँ क्या हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सी के वी का ट्रैक है यहाँ पर है, ये ट्रैक को मैं ये टैप लगा के ब्लॉक कर दिया हूँ और देख रहे हैं जो वी जी एस का टेस्ट पॉइंट है, ये वी जी एस का टेस्ट पॉइंट में देख रहे हैं 26.9 वोल्ट आ रहा है। और ये जो ए वी डी डी का टेस्ट पॉइंट होता है वी डी डी, इसमें आप लोग का 15.65 वोल्ट आ रहा है। तो इसमें सी के वी का जो लाइन है, इसमें पैनल में सी के वी का लाइन में शॉर्टिंग हो गया है, इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पर जो ये जो रेजिस्टेंस है सी के वी के लिए, तो इधर देखना है इसमें किधर शॉर्टिंग है, तो इसके लिए मैं चेक करके आप लोग को दिखाऊंगा जो शॉर्टिंग किधर है। इस साइड में शॉर्टिंग है ना, ये जो यहाँ पर भी है देख रहे हैं इस साइड में शूटिंग है, मैं चेक करके दिखाऊंगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, इस साइड में देख रहे हैं ये हम लोग का राइट साइड है, ये हम लोग का नीचे तरफ है, यहाँ पर एलजी लिखा है ये नीचे तरफ है और ये हम लोग का लेफ्ट साइड का है। तो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सी के वी का ये ट्रैक जा रहा है इस साइड में, यहाँ पर देख रहे हैं 6 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये राइट साइड में भी ये हम लोग का सी के वी का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, ये इस साइड में राइट साइड में शॉर्टकट का थ्रू सी के वी का ट्रैक सभी पैनल में जा रहा है। तो देखिए, मैं रीडिंग लेके आपको लोग को दिखा रहा हूँ इसमें सी के वी का जो ट्रैक है इसमें किधर शॉर्टिंग हो सकता है, ये हम लोग का राइट साइड है और वो साइड हम लोग दूसरा है। तो देखिए, मैं इसमें आप लोग को चेक करके दिखा रहा हूँ बाहर साइड से, मैं
क्वांटिटी, इसमें कितना अब हम सौ रहा है, देखिए मीटर में ए 14 मेगा ओम सौ रहा है, और उसके बाद देखिए इस दोनों में, ये दोनों में ट्रैक में हम लोग का 215 किलो ओम सौ रहा है, और उसके बाद ये जो ट्रैक है इसमें हम लोग का देख रहे हैं 652 ओम सौ रहा है, और इसके बाद ये दो ट्रैक में हम लोग का देख रहे हैं 612 ओम सो हो रहा है, और इसके बाद हम लोग का इस साइड में देख रहे हैं ये 623 ओम सो हो रहा है। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हो रहा है ये जो हम लोग का अंदर साइड है, अंदर साइड का बाद जो दो ट्रैक है ये दोनों में देख रहे हैं, इस साइड में हम लोग का 612 ओम शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो हम लोग का ये राइट साइड में शॉर्टिंग है और लेफ्ट साइड में शॉर्टिंग है, ये हम लोग का चेक करके निकालना है। तो देखिए जो ज़्यादा शॉर्टिंग दिखा रहा है दो ट्रैक में, ये दो ट्रैक है यही वाला, इसमें हम लोग का राइट साइड में 612 ओम शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये अंदर साइड का जो एक ट्रैक है, ये ट्रैक का बाद जो दो ट्रैक है ये दो ट्रैक में, तो हम लोग का यही ट्रैक है इस साइड में देख रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये अंदर साइड में जो ट्रैक है उसके बाद दो ट्रैक है। तो देखिए ये जो लेफ्ट साइड में जो दो ट्रैक है वही वाला, इसमें हम लोग का कितना शूटिंग दिखा रहा है, ये देखिए 608 ओम शूटिंग दिखा रहा है हम लोग का, मतलब ये जो लेफ्ट साइड का जो सी के वी का ट्रैक है एक टेस्ट पॉइंट है, इसमें हम लोग का 608 ओम शॉर्टिंग दिखा रहा है। फिर मैं लेफ्ट और राइट साइड का ये तो यहाँ पर मीटर को रखता हूँ, और देखिए एक प्रोब को और दूसरा प्रोब को मैं इस साइड में रखता हूँ, देख रहे हैं मीटर में 2.6 ओम शो हो रहा है, मतलब यही ट्रैक है हम लोग का, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में एक ही ट्रैक है। तो हम लोग का इस साइड में हम लोग का 612 ओम शो हो रहा है, एक के बाद जो दो ट्रैक है देखिए मीटर में 612 ओम शॉर्ट हो रहा है, और हम लोग का लेफ्ट साइड में एक के बाद जो दो ट्रैक है इसमें हम लोग का 608 ओम शॉर्ट दिखा रहा है। तो हम लोग का इस साइड लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड में इसमें ज़्यादा शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो हम लोग का इस साइड में शॉर्टिंग होने का चांस रहता है। तो देखिए मैं इस साइड में जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस को ओपन करके मैं देखता हूँ ये मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो देख रहे हैं दोस्तों इस साइड में ज़्यादा शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो इस साइड का रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया हूँ, और देख रहे हैं इसमें मेरा VDD का सप्लाई, यहाँ पर VDD का सप्लाई देख रहे हैं 15.65 वोल्ट बन रहा है, और यहाँ जो VGS का सप्लाई है ये सप्लाई ड्रॉप हो रहा था, इसमें देख रहे हैं 26.83 वोल्ट बन रहा है। और देखिए मैं इस टीवी को सीधा करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसमें पिक्चर कैसा आ रहा है देख रहे हैं, नो सिग्नल चल रहा है, इसमें रिमोट दबा कर दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं पिक्चर क्लियर आ रहा है, देख रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये जो LG का टीवी है इसमें मैं सिग्नल दे दिया हूँ, और देख रहे हैं ये भी मेरा ये टीवी ओके हो गया ही। तो दोस्तों आप लोग देख लिए मैं कैसे ये जो वर्टिकल पुट्टी आ रहा था इसको मैं कैसे सही किया हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो मेरा ये जो चैनल DK इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों।